विद्यार्थियों आरसीआई की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। अब हम जानेंगे कि ये सम्मिश्र संख्याओं का रूप है या नहीं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बात समझा देता हूं। जैसे हमने पहले दिन समझा था कि जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, जहां पर एक्स और वाई दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर, यानी कि दोनों क्या होने चाहिए, वास्तविक संख्या। x और y क्या होने चाहिए, वास्तविक संख्या। और देखो इस x और y को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्रमित युग्म के रूप में। देखो x प्लस आयोटा, ये आप 10वीं क्लास में जब पढ़ते थे तो ग्राफ बनाते थे, तब नहीं लिखते थे 2.3 इस तरीके से। तो x प्लस आयोटा y है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, x को y, एक ही बात है। अब आप सोच रहे होगे कि अंतर कैसे होगा दोनों में। देखो भाई, वहां पर आपके पास कार्तीय निर्देशांक तल होता था, लेकिन यहां पर आर्गन प्लेन या सम्मिश्र तल होता है। दोनों चीजों में बहुत अंतर है, और इसके बारे में जब आप ऑफलाइन क्लास में आओगे तब मैं आपको और डिटेल्स में बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी आप ये समझ के चलो कि ऐसा कहीं लिखा मिलता है और उसमें दोनों वास्तविक है, एक्स भी वास्तविक और वाई भी वास्तविक है, तो वो सम्मिश्र संख्या होगी, अन्यथा सम्मिश्र संख्या नहीं होगी। अब देखो, 5 वास्तविक होता है, डन, 2 वास्तविक होता है, डन, तो ये सम्मिश्र संख्या है। पाई अपरिमेय है, ई अपरिमेय है, लेकिन है तो वास्तविक दोनों, तो क्या हो गए, सम्मिश्र संख्या है। अब इस चीज को समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो आप एक चीज समझना कि कहीं भी आपको, देखिए इस बात को कैसे समझोगे, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है, ये आपने पढ़ा है। लेकिन ये सही कब होता है, जब ए तथा बी दोनों में से कम एक धनात्मक हो, मतलब ए और बी दोनों में कम एक धनात्मक है, तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब मैं इसका सेकंड पार्ट बताता हूं आपको। देखो अगर कहीं आपको अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी माइनस का, आप ऐसा लिख सकते हो रूट में माइनस है और ऐसे ही स्क्वायर रूट में माइनस बी, तो आप क्या लिखोगे, ऐसे कई बच्चे करते हैं, ठीक है, और माइनस से माइनस कटा और अंडर रूट ए बी लिख देते हैं, और ये क्या होता है, ये गलत होता है। ये आएगा कैसे, सुनो ध्यान से, अंडर रूट माइनस ए, एक समझा देता हूं दूसरा अपने आप आ जाएगा, अंडर रूट माइनस ए, तो इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ए गुणा माइनस एक, ठीक है। और अब इनको अलग अलग करो, ये लो, और ये वैल्यू किसकी होती है, आयोटा की, तो अंडर रूट ए गुणा आयोटा, और इसको क्या लिख सकते हो, आयोटा रूट ए, जहां आप ये बोल दो ए धनात्मक है ना, ये जरूर ध्यान रखना है, ए आपका धनात्मक है तब माइनस ए क्या होगा, आयोटा रूट ए, ठीक है। अब आप एक चीज समझ लीजिए दोबारा से ध्यान से, ये हमने क्लियर दोनों कर ही लिए। अब उसके बाद में देखो, जब आपको मैं नोट्स भेजूंगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लाइनें लिख के भेजूंगा, आप इसकी चिंता ना करें। तो देखो रूट में माइनस ए इंटू में रूट में माइनस बी, तो ध्यान दो ये क्या होगा, अभी आपने जाना है आयोटा रूट ए, आयोटा रूट ए, और इसके भी बीच में क्या है, माइनस है, तो आयोटा रूट बी। और एक बात याद रखना, यहां पर ए और बी दोनों धनात्मक हैं, ए और बी दोनों क्या है, धनात्मक है, तो ये दोनों क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर रूट ए रूट बी, तो यहां से क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, और इसको क्या लिखोगे, माइनस ए बी, तो क्या आया आपके पास, माइनस अंडर रूट में माइनस ए बी, और वो क्या होगा, माइनस का,
तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब देख लीजिए आप, अब जो बच गए इनको कंप्लीट कर देता हूं मैं क्वेश्चंस को। तो ये आपने समझ ही लिया, ये ध्यान रखना कि अंडर रूट में अगर माइनस ए है तो क्या होगा, आयोटा रूट ए। अब उसके बाद मैं इनको बता देता हूं, देखिए अब ध्यान से आगे कैसे करेंगे। देखिए आपके पास ये टू है और ये आयोटा, और देखो अभी मैंने बताया था अंडर रूट का माइनस ए है तो क्या होगा, आयोटा रूट ए। देखो ये आयोटा आपके पास है, अंडर रूट में माइनस आया तो बाहर आयोटा लगेगा और ये माइनस फोर, माइनस फोर का क्या हो जाएगा, फोर। आ गया होगा समझ में भाई, बाहर अंदर माइनस तो बाहर आयोटा लगेगा, बाकी सेम लिख दो। तो ये माइनस है तो बाहर आयोटा लगा दो, बाकी सेम लिख दो, माइनस हटा दो। तो ये क्या होगा टू, और ये क्या होगा आयोटा स्क्वायर, और अंडर रूट ये क्या होगा टू आएगा। आप ऐसे लिख सकते हो ना गुणा लगा के, देखो दोबारा समझो, अंडर रूट में माइनस ए है तो इस माइनस को हटाओ तो आपको आयोटा बाहर लेना पड़ेगा और स्क्वायर रूट में ए कर दिया। ऐसे ये माइनस है इसको हटाया तो बाहर आयोटा आया, और अंडर रूट का फोर क्या होता है, टू होता है। अब इसको सोल्व करो तो टू कोमा आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस एक। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस एक। तो माइनस एक गुणा दो क्या होगा, माइनस दो। देखो ये वास्तविक, ये वास्तविक, भाई दो भी वास्तविक संख्या है, माइनस दो भी है, तो ये सम्मिश्र संख्या है। एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में कि दी गए क्रमित युग्मों में कौन सम्मिश्र संख्या है और कौन नहीं, तो उस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे इसको देखा, इसको देखा तो बोलो आयोटा और ये अंडर रूट फाइव कोमा टू। अब बताओ ये सम्मिश्र संख्या है क्या, बताओ भाई ये वास्तविक है क्या, वास्तविक नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आयोटा काल्पनिक होता है, काल्पनिक इंटू वास्तविक काल्पनिक बन जाएगा। तो और मैं आपको बताऊं, आयोटा तो आना ही नहीं चाहिए क्रमित युग्म के अंदर, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में कभी भी आयोटा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हमने क्या कहा, वास्तविक नहीं। तो आयोटा रूट फाइव क्या होगा, वास्तविक नहीं। ठीक है, जहां आयोटा आ जाए तो समझ लो वो सम्मिश्र संख्या नहीं होगा। जैसे इसको चेक करो, माइनस रूट टू कोमा, इसको हटाया आयोटा और ये क्या हो गया रूट टू। भाई माइनस हटा तो आयोटा बाहर आया, बाकी बचा उसको लिख दो। अब बोलो ये सम्मिश्र संख्या है कि नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आयोटा आ गया। देखो यहां भी आयोटा आया था लेकिन वो आयोटा हट गया, लेकिन यहां आयोटा हट नहीं पा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब आप किसी भी सम्मिश्र संख्या को एक्स कोमा वाई क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं तो इन दोनों के साथ में आयोटा फाइनल में नहीं आना चाहिए। अंत में अगर आयोटा लगा हुआ है तो आपको ये सम्मिश्र संख्या नहीं है बोलोगे, और आयोटा अगर नहीं आया तो आपको बोलना है सम्मिश्र संख्या है। तो देखो यहां पर आयोटा आया तो सम्मिश्र संख्या नहीं है, यहां पर आयोटा आया सम्मिश्र संख्या नहीं है, यहां अंत में देखा आयोटा हट चुका था, हमें दो और माइनस दो मिले, इसका मतलब ये एक सम्मिश्र संख्या है। आज के लिए इतना ही।